म्यांमारों में कई परिवारों को कभी न भूलने वाले जख्म मृतकों का आंकड़ा 81,000 तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिका विपक्ष। सचिन पायलट के समर्थन में आए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कहा आरपीएससी में एक मछली नहीं पूरा तालाब गंदा है। पंजाब सरकार ने दी आर्मी एक्ट की मंजूरी, बड़े पैमाने पर इमरान खान के समर्थकों के दमन की तैयारी में सेना। आज कर्नाटक के नए सीएम का ऐलान, मणिपुर में आरक्षण पर घमासान। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के निर्देशों के कार्यान्वयन पर लगाई रोक, अपने विभागों को जारी किया सर्कुलर। इकहत्तर हजार युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र, पीएम मोदी बोले भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ खत्म। भुवनेश्वर का कपिलेश्वर मंदिर एएसआई की संरक्षित स्मारक सूची में होगा शामिल, लोगों में खुशी। कर्नाटक चुनाव में लालू ने कहा भाजपा का सफाया शुरू हुआ, नीतीश ने विपक्षी एकता पर ध्यान केंद्रित किया। राजस्थान बोर्ड 8वीं का रिजल्ट होगा जारी, शिक्षा मंत्री ने किया कन्फर्म। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।